आज की हमारी कहानी है भाभी तुम शिमला मिर्च हो। गुड़िया ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितने तारीफें वो बटोरती है वो आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। गुड़िया और कार्तिक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। कार्तिक एक बहुत अच्छे परिवार से था और वहीं गुड़िया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। गुड़िया की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन गुड़िया का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कार्तिक के अमीर होने वाली बात सोचते ही गुड़िया का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि गुड़िया के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और कार्तिक के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन गुड़िया की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। गुड़िया सिर्फ कार्तिक की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद गुड़िया कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। गुड़िया का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार गुड़िया को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश हैं। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, गुड़िया ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। गुड़िया ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे गुड़िया ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर गुड़िया ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। गुड़िया जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी गुड़िया की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इससे क्या फर्क पड़ता है ज़्यादा या कम हो। कार्तिक सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। गुड़िया के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन कार्तिक ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। गुड़िया ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जबान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुड़िया ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुड़िया की एक ननद थी सुषमा, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। सुषमा ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद गुड़िया को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। गुड़िया ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में सुषमा ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए
हमेशा के लिए समान और बढ़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।